नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप सोनी मैक्स का लोगो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहां से टूल्स पर जाना है और यहां पर आपको सेलेक्ट करना है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल लेने के बाद आपको सिंपल क्लिक कर देना है और यहां पर आपको कैपिटल लेटर में टाइप करना है एस। एस टाइप करने के बाद आपको सिलेक्शन टूल लेना है और यहां से फॉन्ट का जो स्टाइल है उसे लेना है एरियल ब्लैक और कॉर्नर से इसको पकड़ करके थोड़ा सा जूम कर देना है। जूम करने के बाद आपको यहां से रेक्टेंगल टूल लेना है। रेक्टेंगल लुक टूल लेकर के आपको इस तरीके से इस पर ड्रॉ करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कॉर्नर मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमने एक सेटिंग कर रखी है। इसको हमें क्या कर देना है, इसको ज़ीरो कर देना है और यहाँ से भी इसको हमें ज़ीरो कर देना है। उसके बाद यहाँ से इसे लॉक कर देना है। तो अब ये कॉर्नर आपका मुड़ा हुआ नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्शन टूल लेना है, उसके बाद इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है और यहाँ पर कर देना है ट्रिम। ट्रिम का एक ऑप्शन आएगा, ट्रिम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऊपर से एंगल हमारा कट जाएगा। कटने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आकर के आपको यहाँ पर क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ दोनों एंगल को वापस से सिलेक्ट करना है, वापस से ट्रिम कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, यहाँ पर रखना है, शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कर देना है ट्रिम। तो ये हमारा तीनों तरफ से हमें इसको काट लेना है। उसके बाद इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस के यूज़ करना है ब्रेक अपार्ट के लिए और इस एंगल को हटा करके हमें यहाँ से डिलीट कर देना है। अब ये हमारा एस बन गया, इसको हम साइड रख देंगे और यहाँ पर इसका कलर फिल कर देंगे येलो। इसके बाद हमें वापस से टूल्स में जाना है और एक रेक्टेंगल यहाँ से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने से पहले यहाँ पर देखेंगे 10:10 आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, ज़ीरो कर देंगे और यहाँ से इसको अनलॉक कर देंगे और इस तरीके से एक रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आपको सिलेक्शन टूल यूज़ करना है और यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इतना, और उसके बाद यहाँ से आपको इसको थोड़ा सा छोटा करना है और छोटा करने के बाद अपने कीबोर्ड से राइट क्लिक दबा देना है ताकि इसका डुप्लीकेट कॉपी हो जाए। और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ब्लैक कलर फिल कर देना है। इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा करना है, तो इसके लिए हम F12 दबाएंगे। F12 दबाने के बाद इसकी आउटलाइन को हम थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं लाइक 3 टाइप कर दिया हमने, तो थोड़ी सी आउटलाइन इसकी मोटी हो गई। इसके बाद ये जो ब्लैक कलर का एंगल हमारा बना हुआ है इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे Ctrl+C और Ctrl+V से, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे और टी दबा देंगे। टी से ये ऊपर आ गया। अब इसको उठा करके हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, या तो एरो से ले जा सकते हैं या तो फिर कीबोर्ड में जो हमारा एरो बटन होता है उसे दबा करके आप इसे ऊपर ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं और थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं इस तरीके से, और इसके बाद इस एंगल को उठा करके हम लोग इसके अंदर सेट करते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ला करके इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, ऊपर से इसको हल्का सा छोटा करते हैं इस तरीके से और इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। ये फिक्स हो गया हमारा। और इसके बाद यहाँ से आपको एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल लेने के बाद एक रेक्टेंगल इस तरीके से ड्रॉ कर देना है यहाँ पर, और इसका जो कलर है वो यहाँ पे आप रेड कलर रखेंगे, तो रेड कलर ले लेते हैं हम लोग। इसके आउटलाइन का कलर भी हम लोग रेड ले लेते हैं इस तरीके से, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे हम लोग मैक्स। मैक्स लिखने के बाद सिलेक्शन टूल यूज़ करेंगे और यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल लेंगे एरियल ब्लैक। एरियल ब्लैक लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ से भी हम वही कलर सेलेक्ट करेंगे जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था मैक्स के लिए, और यहाँ पर इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इस तरीके से, और इन दोनों को सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ से सी दबाएंगे, सी से सेंटर और ई दबा देंगे, इसे इक्वल आ जाएगा। इसके बाद टेक्स्ट टूल यूज़ करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे हम लोग सोनी। सोनी लिखने के बाद सिलेक्शन टूल यूज़ करेंगे, इसको वापस से थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे और यहाँ से इसके फॉन्ट के स्टाइल को हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, ओल्ड रेगुलर ले लेते हैं, और उसके बाद इसको उठा करके यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। फॉन्ट का कलर वाइट, इसके आउटलाइन का कलर भी हम वाइट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा बोल्ड दिखाई दे हमें, और इसके बाद इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए इस तरीके से, और साइड से भी इसको पकड़ करके थोड़ा सा जूम कर दीजिए। तो दोस्तों ये बन गया हमारा सोनी मैक्स का लोगो। आप इसे Ctrl+G करके ग्रुप कर सकते हैं, P से पेज सेंटर सेट कर सकते हैं, F4 से फोकस कर सकते हैं और F9 से आप इसे फुल स्क्रीन देख सकते हैं। ये हमारी इमेज थी, इस इमेज को हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ फोकस करके कि हमारा लोगो कैसा बना है। तो दोस्तों ये बन गया हमारा सोनी मैक्स का लोगो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।